सभी भाइयों बहनों को जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? प्रभु की कृपा से हमें विश्वास है कि आप सब सकुशल पूर्वक होंगे। हम आपके लिए बहुत ही प्रेरक प्रसंग पर वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो निश्चित ही आपके जीवन को बदलने वाला है। यह प्रसंग है उद्धव कृष्ण संवाद का। बहुत ही प्यारी वार्ता निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली होगी। तो चलिए, उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब आपने वस्त्र प्रदान कर उसकी लाज बचाने का दावा किया, उसे एक दुष्ट आदमी भरी सभा में घसीट कर लाता है और पूरी सभा के सामने अपमानित करता है, ऐसे में एक महिला का कितना मान सम्मान बचता है और आपने क्या बचाया? महाभारत का अध्ययन करते समय यह प्रश्न मन में अवश्य ही उठता है। इस प्रश्न के जवाब में प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बोलते हैं कि हे उद्धव, यह संसार का नियम है कि हमेशा विवेकवान ही विजय प्राप्त करता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं। प्रभु श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुर्योधन को जुआ खेलना नहीं आता था, उसके पास धन था, समृद्धि थी, परंतु वह पासों को चलना नहीं जानता था, इसलिए उसने इस द्रुत कीड़ा के लिए शकुनी मामा का चयन किया। यह उसका विवेक था, परंतु धर्मराज भी विचार कर सकते थे और अपनी तरफ से मुझे खेलने का न्योता दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे एक प्रार्थना और कर दी कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे कोई बुलाए ना। इस प्रकार उन्होंने मुझे एक प्रार्थना से बांध दिया और मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके उपरांत मैं बाहर ही इंतजार करता रहा, परंतु किसी ने मुझे नहीं बुलाया। सभी अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में खींच कर लाता है। द्रौपदी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उससे जूझती रहती है। जब दुशासन उसे निर्वस्त करने का प्रयत्न करता है तब वह गुहार लगाती है, हे कृष्ण हे केशव। तब मुझे वहां आने का अवसर मिलता है। जैसे ही मुझे बुलाया गया मैं अविलंब वहां पहुंच गया। कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब कोई आपको बुलाएगा। क्या आपके भक्त संकट में हैं तो आप स्वयं नहीं आ सकते? कृष्ण आगे बोलते हैं कि हे उद्धव, सृष्टि का हर एक जीवन स्वयं के कर्म के फल पर आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं उसे चलाता हूँ और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ और सदैव तुम्हारे पास रहकर जो हो रहा होता है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे पास रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे और हम पाप करते रहेंगे और आप हमेशा साक्षी बनकर देखते रहेंगे। हम पाप की गठरी बांधते रहेंगे और इसका फल भोगते रहेंगे। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम यह समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी रूप में हूं, हर पल तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा या अन्याय या पाप कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से यह कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हारे पास हूं, जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर भी कुछ कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। जय जय श्री राधे कृष्णा।